जरूरतें जब मजबूर बनाती हैं तो दर्द अता होता है। हमदर्दी दिखाने वाला दूर दूर तक नहीं दिखता, लेकिन जरूरतें जब अपराधी बनाती हैं तो रही सही हमदर्दी भी छिन जाती है। हम सब अपने चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा छिपाकर चलते हैं। कोई अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा लिए अपना दर्द छिपाने की कोशिश करता है, तो कोई अपनी मक्कारी को छिपाने के लिए अच्छाई का मुखौटा पहन लेता है। कई बार मुखौटे पर मुखौटा लगाते लगाते हम दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा असली व्यक्तित्व भी धुंधला पड़ जाता है, दूसरों के लिए भी और खुद के लिए भी। ये लोग मिलके आपको डरा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। रिंकी इज अ ब्रेव गर्ल, अरे लगेगा अभी पता भी नहीं चलेगा। हो गया, फिनिश, हो गया, हो गया, हो गया। पायल इन्हें उतार दो। मैं तरस गई थी इसकी एक हंसी के लिए, और आपकी बातों में तो जादू है मैम। जैसे इसका दमा ठीक हो गया है, वैसे ये भी ठीक हो जाएगी, है ना रिंकी? हो जाएगी, हो जाएगी। थैंक यू मैम। अगले हफ्ते फिर आना। पायल, एनी मोर अपॉइंटमेंट्स? नो मैम। ओके। तुम थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर रेवती। हाय डॉक्टर मनीष, आई विल सी यू। कहाँ जा रही हो? कम ऑन, आई विल ड्रॉप यू। नो सर, दैट्स ओके, मैं ऑटो ले लूंगी। अरे कहाँ ऑटो में जाओगी, बाहर कितना पोल्यूशन एंड योर स्किन इज सो सेंसिटिव। सर मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ, कोई मेरा वेट कर रहा है, सो आई विल सी यू। ओह मैडम, टी ब्रेक। वैसे हर पाप की परिभाषा विचित्र होती है, और मेरा सामना ऐसे ही पाप से होने वाला था। अरे इसमें भी नहीं है, चूहा खा गया। तुम लोग थोड़े थोड़े ही खा लो, जब पापा राशन लेके आएंगे ना तब। राशन लेने गए थे ना, घर में खाने का एक दाना नहीं है, और अब राशन का पैसा दारू में उड़ा के आ गए। कैसे आदमी है आप, बच्चे हमारे कल से भूखे हैं, और आपको कोनो बात का फिक्र नहीं है? अरे जिंदगी बर्बाद करके रख दी है आपकी इस दारू ने। अरे जिंदगी तो तुमने बर्बाद की हमारी, मनहूस कहीं के। हम मनहूस हैं, और आप कहाँ हैं? अरे आप तो इस काबिल भी नहीं कि कोई आपको काम पे रख ले। साला हमसे जबान लड़ाएगी तू? ठीक हूँ, ठीक है, भूख लगा है ना, भूख लगा है। हम तुम लोग का पेट भरेंगे, रो मत, रो मत। अभी अब कुछ लेके आते हैं तुम लोगों का, यही रहना। जमुनिया बहन हमको 500 रुपए उधार दे दो बहन, हमारे घर में एक दाना नहीं है खाने को, हमें बच्चे भूखे हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम तुमको 2500 रुपया उधारी दे चुके हैं, अब अगर एक रुपया भी हमने तुमको दिया ना तो हमारा आदमी हमको जान से मार देगा। पैसा नहीं तो मैं थोड़ा चावल दे दो, चीनी दे दो, मैं बच्चे भूखे हैं कल से। हम कितना बार तुमको बोले हैं हम कि को चौखट पर मत खड़ा होने दिया करो, समझ में नहीं आता तुमको? देखो सरस्वती, मुफ्त में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, पैसा दोगी तभी राशन मिलेगा। भैया हम आपकी दुकान में कोई भी काम कर लेंगे भैया, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्होंने कुछ नहीं खाया है भैया, कल से थोड़ा राशन दे दो भैया, थोड़ा राशन दे दो। अम्मा नहीं आई
अरे क्या कर रही है? खाली है वो, कुछ नहीं है उसमें। हमें बहुत भूख लगा है। तो हमको भी लगा है। चिंता मत करो बच्चों, देखो कितना सारा राशन लाए हैं। आओ, दाल है, चावल है। आज हम दाल भात खाएंगे। हाँ, आज तुम लोग भर पेट दाल भात खाओगे। देखो बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इंसान को दो वक्त का रोटी जुटाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष? ये क्या होता है मम्मी? संघर्ष, संघर्ष का मतलब होता है सच्चाई और ईमानदारी का मेहनत। तुम लोग अपने पापा जैसे बिल्कुल मत बनना बच्चों। इतने काबिल बनना कि सच्चाई और मेहनत से अपना पेट भर सको। बोल के आप हमको उसके साये से भी दूर रहने का बोले थे और आप उसके साथ इतना गंदा हरकत कर रहे हैं। ज्यादा प्रवचन मत दे हमको, हट। प्रवचन नहीं दे रहे हैं, पत्नी है आपकी। अरे हट, पत्नी है साला, तुमको भी हम देख लेंगे और उसको भी। अरे अभी का नौटंकी है, पता नहीं पैसे कहाँ छुपा के रखते हैं। आजकल कहाँ गायब रहती है तू? चल क्या रहा है? घर में राशन भरवा दी, ऊपर से इतना पैसा लेके घूम रही। किसके साथ सो रही हो जो इतना पैसा दे रहा है? हम काम पर गए थे और आप हमारे ऊपर इतना गंदा लालचन लगा रहे। हम लालचन लगा रहे? हम देखिए, आपकी कमियों को भूलकर भी हम आपके संग रिश्ता निभा रहे और आप हमें कुछ भी कहते। अरे तुम ये आंसू बहा के अपनी गलती छुपा रही हो, काम नहीं धंधा कर रही हो तुम। बताओ सरपंच जी, इसी मनहूस ने हमारी बीवी की जान ली है, पता नहीं क्या खिलाया जमुनिया को उसने। नहीं नहीं सरपंच जी, हम तो जमुनिया को उधार लौटाने गए थे और ये आदमी। बस, पिछले महीने तो चंपक के घर गई थी, तब उसका बच्चा मरा और अब जोगिंदर की बीवी भी जो पेट से थी। ये कोई संजोग नहीं है, ये तेरा प्रकोप का नतीजा है। ओझा जी ने जिस डायन का अंदेशा दिया था वो तू ही है, इसीलिए तुझे सजा देना जरूरी है, वरना तो एक एक करके हम सबका जान ले लेगी। सरपंच जी, हम कोई डायन मैन नहीं है। ले जाओ उस डायन को। अरे पता नहीं क्या हो गया रेवती को, अभी भी उसका फोन बंद आ रहा है। वो रेवती ने अपने रूममेट का नंबर दिया था ना, उसको लगाइए आप जरा। मैसेज किया था उसने, फोन बनने के लिए दिया था ना, मैसेज उड़ गया होगा। कितनी बार कहा है आपसे कि जरूरी नंबर डायरी में लिखा करिए। डॉक्टर रेवती 12 की शाम तक तो यही थी हॉस्पिटल में ड्यूटी, 13 को उन्होंने ऑफ लिया हुआ था, कल वो आने वाली थी लेकिन ना वो कल आई और ना ही आज। अच्छा तो नहीं है, तू बहुत खतरनाक औरत है। गांव वालों, आप लोगों को पता है बहुत सारे पैसे मिले इसके पास से, तभी तो हम कहे कि तेरा परिवार का नक्शा कैसे बदल गया, धंधा करती है तू। नहीं नहीं सरपंच जी, हम कोई धंधा वंदा नहीं करते, हम तो बसंत भैया की दुकान पे काम करते हैं, उनसे पूछ लीजिए। क्या बोल रही है तू हमको, कब कहां पे रखी है? अरे भैया झूठ मत बोलो, तुम ही बोले। अरे ये एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। नहीं 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 सरपंच जी, अरे इसका पति भी शक करता है इस पे। ले जाओ इसे, पूरे गाँव घुमाओ इसे। रेवती हॉस्पिटल से छुट्टी लेके गई थी, मतलब अपने मर्जी से गई होगी, आ जाएगी वापस। लेकिन साहब, रेवती का 4 दिन से फोन बंद आ रहा है, वो अपनी मर्जी से गई होती तो हम लोगों को बता के जाती। किसी लड़के वड़के के साथ चक्कर होगा और आप उस लड़के के खिलाफ होंगे इसलिए वो भाग गई। नहीं साहब ऐसा नहीं है, हमारी रेवती ऐसी नहीं है। आप रेवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए बस। देखिए आप हमें मत सिखाइए क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, ऐसे केसेस रोज आते हैं यहाँ पे और आखिर में वही निकलता है, लड़का लड़की का चक्कर। शिंदे नंबर लूंगी आंसर।
आज 21वीं सदी में भी हमें ऐसी कुरीतियों के बारे में सुनने को मिलता है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी हम अपने समाज से अंधविश्वास को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए, और अक्सर ये देखा गया है कि ये अंधविश्वास कई तरह के अपराधों का कारण बन जाता है। वहीं इस अपराध से अलग एक दूसरे केस में डॉक्टर रेवती के गायब होने का राज गहराता जा रहा था, और पुलिस से नाउम्मीद होकर उसके बुजुर्ग माता पिता खुद ही अपनी बेटी की तलाश में भटक रहे थे। हेलो, साइज फिट हो रही है ना? अरे पीछे हटिए ना, दिखाइए तो बेटी को कितने अच्छे लग रहे हैं आप, ये देख। वाह, ये शूज तो आप पे कितने अच्छे लग रहे हैं, और इन कपड़ों में आप कितने स्मार्ट लग रहे हो। बेटा वो तो ठीक है, तुमने अपने पापा के लिए तो सब भिजवा दिया, लेकिन अपनी माँ को भूल गई ना? मम्मी ऐसा हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊँ? आपके लिए भी सरप्राइज है, कल तक डिलीवर हो जाएगा। अपनी गुमशुदगी के 6 दिन बाद मृत पाई गई रेवती के गायब होने की पहेली अब हत्या की एक चौंकाने वाली गुत्थी बन गई थी, जिसने उसके माता पिता को तोड़कर रख दिया था। और ऐसे कई सवाल थे जिनके जवाब ढूंढना आसान नहीं था। सरपंच जी, पहले आपका हक है, जाइए निकालिए भड़ास। नहीं नहीं सरपंच जी, सरपंच जी हमको छोड़ दीजिए सरपंच जी। आपने बोला था आपकी बेटी हॉस्पिटल से छुट्टी लेके अपने मर्जी से कहीं गई थी, तो फिर उसकी लाश यहाँ से 25 किलोमीटर दूर आर्य रोड में कैसे मिली? हाँ रिपोर्ट में तो वही लिखा है, फिलहाल उसकी लाश आपको सौंप रहे, यहाँ पे साइन कर दीजिए। आप लाश को सौंप के केस को रफा दफा करना चाह रहे हैं, हैं? मैं ये लाश तब तक नहीं लूंगा जब तक आप दोषी को ढूंढ नहीं लेते, मुझे इंसाफ चाहिए। रेवती के पिता के इस कदम से जल्द ही ये केस मीडिया में छा गया, और पुलिस महकमे में गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया, जिसके बाद खुद डीसीपी को इस केस में उतरना पड़ा। डॉक्टर रेवती के माता पिता की गुहार पर जल्द ही ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही मेंशन है कि स्ट्रगल की वजह से विक्टिम का रेप और कत्ल हुआ 12 अगस्त को, और आर्य रोड को उसकी बॉडी मिली 18 अगस्त को। विक्टिम की बॉडी पर कोई डीएनए नहीं मिला। सर विक्टिम के पेरेंट्स के मुताबिक हॉस्पिटल वालों ने उन्हें बताया था कि रेवती हॉस्पिटल का सारा काम खत्म करके 12 अगस्त को वहीं से शाम को निकली थी। हॉस्पिटल से शुरू करें? विक्टिम के पेरेंट्स बाहर अपनी बेटी को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद देम। नमस्कार, बैठे रहिए। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप किस तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। आपने अपनी बेटी खोई, और हम आपकी उसी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। क्या आप लोगों को किसी पर शक है? साहब, कहने को पहले भी हमारे पास कुछ नहीं था, बस हमारी बेटी को न्याय दिला दीजिए। आपकी बेटी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर दीजिए। जो कुछ भी हुआ उससे हम सब भी हैरान हैं। डॉक्टर रेवती वाज अ वेरी ब्राइट डॉक्टर, बहुत अच्छा फ्यूचर था उसका। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। यानी प्रोफेशनल राइवलरी, कोई डिस्प्यूट, कोई झगड़ा? नेवर, वो तो हमेशा अपने काम से काम रखती थी। सर ये 12 अगस्त की फुटेज है, जिस दिन डॉक्टर रेवती को यहां आखिरी बार देखा गया था। उस दिन डॉक्टर रेवती यहाँ से निकलने के बाद इस डायरेक्शन में गए। लेकिन सर उनका घर तो इस डायरेक्शन में है,
वही तो जानना है कि डॉक्टर रेवती उस दिन यहाँ से फिर कहाँ गए। एक काम करो, हॉस्पिटल के बाहर का 12 अगस्त का सीसी फुटेज निकलो और रेवती के घर पे भी चेक करो, लेट सी क्या मिलता है। सर, उस दिन डॉक्टर रेवती को एक नर्स के साथ अपने केबिन से बात करते हुए बाहर देखा गया था। आखिरी बार डॉक्टर रेवती को उसी नर्स के साथ देखा गया, उस नर्स को बुलवाओ। नॉर्मल वर्क रूटीन के बारे में ही बात हुई थी, जैसे अगले दिन किस किस पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आने वाली है, किसका अपॉइंटमेंट है। अगले दिन तो वो छुट्टी लेने वाली थी ना, फिर अगले दिन के अपॉइंटमेंट्स कैसे डिस्कस कर रही थी तुमसे। वो एक्चुअली 14 अगस्त के अपॉइंटमेंट के बारे में बात हुई थी। अच्छा, ये बताओ कि डॉक्टर रेवती ने 13 को ऑफ क्यों लिया था और 12 को कहाँ गई थी। इसके बारे में मैं नहीं जानती। अगर तुम इस केस से रिलेटेड कुछ जानती हो और छुपा रही हो तो ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। मुझे उस दिन के रिलेटेड जो भी पता था मैंने आपको बता दिया। क्या उस दिन के अलावा कोई ऐसी बात है जो आपको बतानी चाहिए थी और आपने नहीं बताई। डॉक्टर रेवती का डॉक्टर मनीष के साथ कुछ इश्यू चल रहा था। तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में, तुम्हें नीचा लाने में कोई बात नहीं। पता नहीं क्या समझती अपने आप, सीनियर जूनियर का कोई फर्क ही नहीं है। तो आपको लगता है कि डॉक्टर मनीष ने डॉक्टर रेवती के साथ। नहीं नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, पर हाँ डॉक्टर मनीष की नीयत डॉक्टर रेवती को लेकर कुछ ठीक नहीं थी। डॉक्टर मनीष कहाँ है। जब रेवती के पेरेंट्स आए थे उसके बाद ही वो लीव पर चले गए। ये लैपटॉप रेवती का है। हाँ सर। जसप्रीत, रेवती के साथ हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों ने हमें बताया कि उसका किसी के साथ कोई इशू था। तुम तो उसकी रूममेट हो, फ्रेंड हो, कुछ बताया था उसने कभी। सर इशू का तो नहीं पता, पर वो थोड़ी परेशान सी थी। परेशान, किस तरह की परेशानी। उसे ये गिल्ट था कि उसके उसके एक पेशेंट की जान चली गई थी। मैंने एक पेशेंट को गलत इंजेक्शन दे दिया और वो मेरे सामने एक डॉक्टरों के भी कुछ नहीं कर पाई। जसप्रीत बेटा, उस दिन हम लोग रेवती के बारे में पूछ रहे थे तो तुमने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। अंकल, रेवती ने बताने से मना किया था और तभी मुझे नहीं पता था कि रेवती की मौत। आइए आइए, चलिए जल्दी चलिए जल्दी। आइए देखिए देखिए क्या हो गया, हम सुबह सुबह आके देखे थे। आइए देखिए देखिए सरपंच जी, देखिए नहीं है, भाग गई वो, भाग गई सरपंच जी, भाग गई। तुम लोग ढूंढो, चलिए निकलिए निकलिए। सरपंच जी सरपंच जी यहाँ भी नहीं है। सरपंच जी वो भाग गई। अरे ढूंढो उसे, कहीं पूरे गांव पे भारी ना पड़ जाए, ढूंढो। बोले डीन साहब, अभी आप चुप क्यों? Isn't it true कि रॉन्ग मेडिसिन की वजह से आपके हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की डेथ हुई थी? जी सर हुई थी, बट इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट सर। डॉक्टर रेवती, देयर इज एन इमरजेंसी, संयोगता अभी तक आई नहीं है, सो आई नीड योर हेल्प, कम विद मी, कम ऑन फास्ट। स्लाइन लगाओ, ओटी रेडी करो, 5 मिनट में शिफ्ट करेंगे। सर पेशेंट की हालत तो बहुत खराब हो रही है। रेवती वो ट्रे में वो इंजेक्शन है, जल्दी लगाओ फटाफट। संयुक्ता कहाँ थी तुम यार? मैं पीछे का प्रॉब्लम है। ठीक है, कर दिया रिप्ति तुमने? कौन सा इंजेक्शन दे दिया तुमने? सर मैंने तो यही इंजेक्शन लगाया था जो आपने मुझसे कहा था। उसके बाद पेशेंट की मौत हो गई सर और घर वालों ने बहुत हंगामा मचाया। अरे क्या कर रहे हो मुझे? अरे तूने मेरी माँ की जान ली है, तुझे हमने बड़ी मुश्किल से पेशेंट की फैमिली को शांत किया और एक इंटरनल इंक्वायरी की एंड आई चेक माइसेल्फ सर, तो पता चला कि पेशेंट को जो इंजेक्शन दी गई थी उस बॉटल की लेबल ओरिजिनल थी लेकिन इंजेक्शन में दवाई अलग थी सर और उस दवाई की वजह से पेशेंट की मौत हो गई। तो कैन यू एक्सप्लेन मी कि राइट लेवल की बॉटल में दूसरी दवाई कैसे आ गई? मुझे कुछ नहीं मालूम सर, शायद दवाई बदल दी गई हो। तो आपको ये तो मालूम होगा कि दवाई बदली किसने? आई जस्ट डोंट नो सर, लेकिन हम लोग इंटरनल इंक्वायरी कर रहे हैं। जिस दिन ये सब हुआ उस दिन की सीसीटीवी फुटेज कहाँ है? मैनेजमेंट के प्रेशर की वजह से वो सारी फुटेज डिलीट कर दी गई थी। डॉक्टर नकुल और डॉक्टर संयुक्त कहाँ है? सर हमने उन दोनों को कंपल्सरी लीव पर भेज दिया है। आपके पास उन दोनों की डिटेल्स होगी? जी सर। पायल, हमें पता चला तुम वहाँ मौजूद थी जहाँ वो पेशेंट गलत मेडिकेशन की वजह से मारी गई थी। हमने तुमसे कहा था कि कुछ भी मत छुपाना,
तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मैम, हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि इस केस के बारे में कहीं कोई बात लीक नहीं होनी चाहिए। मैम, मुझे नहीं मालूम कि वो मेडिसिन किसने चेंज की थी, लेकिन मैंने खुद देखा था कि डॉक्टर रेवती ने डॉक्टर नकुल के कहने पर ही वो इंजेक्शन पेशेंट को दिया था। हाँ नकुल, बोलो। ये रेवती का मामला तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। आई थिंक हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। सरपंच जी, वो वहां मिल गई है, वहां पड़ी हुई है। चलो। सरपंच जी, तो मर गई? अरे ये मरी नहीं है, नहीं है। पता नहीं कब जिंदा हो जाएगी। इसके शरीर की ऐसी हालत करो कि ये फिर से अपने शरीर में ना घुस पाए। जैसे ही कुछ पता चले मुझे तुरंत अपडेट करो। सर, दोनों के नंबर्स भी बंद आ रहे हैं। हालांकि मैंने दोनों के नंबर सर्वेलेंस पे डाल दिए हैं, पर जिस तरीके से ये दोनों अंडरग्राउंड हुए, ऐसा लगता है कि रेवती के मर्डर केस से इनका जरूर कोई लेना देना है। और डीन नित्यानंद ने बताया था कि पेशेंट की मौत इंजेक्शन की डोज बदलने की वजह से हुई, और जिस लेडी की मौत हुई थी उनके फैमिली मेंबर में से किसी ने डॉक्टर रेवती को जान से मारने की धमकी दी थी। तूने मेरी माँ की जान ली है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। डॉक्टर रेवती उसकी नफरत का शिकार, उस लड़के के बारे में पता लगा। सर, डॉक्टर मनीष का पता चल गया है, हमने उसको कस्टडी में ले लिया है। मैंने रेवती के साथ कुछ नहीं किया। पहले कुछ दिखा रहे हैं, जरा देख लो, फिर बात करते हैं। ये कौन है? 12 अगस्त को जिस वक्त जिस डायरेक्शन में रेवती गई, उस वक्त उसी डायरेक्शन में तुम उसके पीछे गए, क्यों? सर, अगर रेवती का और मेरा एग्जिट टाइम सेम है और जिस डायरेक्शन में वो गई मैं भी उसी डायरेक्शन में गया, तो मैं कल्प्रिट हो गया। सर, रेवती के मर्डर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, प्लीज बिलीव मी। सर, रेवती के कॉल रिकॉर्ड में एक आनंद नाम के लड़के का नंबर मिला है जो इंदौर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, 12 अगस्त को आनंद का फोन भी शिवाजी नगर में एक्टिव था जहां रेवती का फोन बंद हुआ था। इंदौर, रेवती भी इंदौर की रहने वाली थी। ये आनंद है सर, ये रेवती के साथ पढ़ता था। क्या आनंद का रेवती के साथ अफेयर था? नहीं सर, रेवती और आनंद तो अच्छे दोस्त थे, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों का अफेयर था। पर ये लड़का आनंद लगातार आपकी बेटी के टच में था, उसे बार बार फोन करता था, यहाँ तक कि आपकी बेटी से मिलने या मुंबई भी आता रहता था। आप लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता? नहीं सर। सर आनंद को ले आए हैं, इंटरोगेशन रूम में है। सर मैं प्यार करता था रेवती से, उसके लिए जान भी दे सकता था। शिवाजी नगर में 12 अगस्त को स्विच ऑफ हुआ और तेरा फोन 12 अगस्त को शिवाजी नगर में एक्टिव था। कैसे, क्या करा था वहां से? शिवाजी नगर में मैं रेवती से मिलने वाला था, लेकिन हम फिर मिले नहीं। मिलता कैसे? उससे पहले तूने उसे मार जो दिया। नहीं नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने और रेवती ने गोवा जाने का प्लान किया था, फिर वो मुझे शिवाजी नगर में SV रोड में मिलने वाली थी, ना तो वो आई और ना उसका फोन लगा। मैंने उसके हॉस्पिटल में भी फोन किया था तो पता चला कि वो वहां से निकल गई है। और तेरे साथ गोवा क्यों जाने वाली थी? सर, अपसेट थी, हम एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे। सर, ये आनंद जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं। अगर आनंद के पास डॉक्टर रेवती के कत्ल और मर्डर का कोई मोटिव है तो डॉक्टर मनीष भी पीछे नहीं, और उधर डॉक्टर नकुल, डॉक्टर संयुक्त, ये दोनों भी गायब हैं। तो ये रेप और कत्ल आखिर किसने किया? उस लेडी की फैमिली का क्या हुआ? सर, उस लेडी की मौत के बाद पूरी फैमिली अपने नेटिव गांव सतारा शिफ्ट हो गई, और वो आदमी नवीन जिसने रेवती को धमकी दी थी वो 12 अगस्त को सतारा में ही था। लेकिन हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से उनके फैमिली मेंबर की डेथ हुई तो हॉस्पिटल के ऊपर कोई केस नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं की और गांव वापस चले गए। हाँ सर, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था। ये हॉस्पिटल, लेकिन सर एक अजीब बात है, 12 अगस्त जिस दिन रेवती का मर्डर हुआ था उस दिन फ्राइडे नहीं था। तो अगर उसका फोन हर फ्राइडे को शिवाजी नगर में एक्टिव रहता था तो फिर 12 अगस्त को शिवाजी नगर में क्यों गई थी? सर, मैंने रेवती की रूममेट जसप्रीत से ही बात की, उसने बताया कि रेवती हर फ्राइडे को एक NGO में जाती थी जो शिवाजी नगर में है। और सर, मैंने रेवती का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया, गरीब बच्चों के लिए फंड रेजिंग और डोनेशन कैंपेन्स भी चलाती थी। ये देखिए सर, यहाँ काफ़ी गरीब बच्चों के साथ उसके फोटोज भी हैं। मेरा सवाल अब भी वही है कि अगर रेवती शिवाजी नगर वाले NGO में सिर्फ फ्राइडे को जाती थी तो 12 अगस्त को NGO में क्यों गई? उस दिन तो फ्राइडे नहीं था। NGO से कंफर्म करो, क्या 12 अगस्त को रेवती NGO में आई थी? ये बात सच है मैडम कि रेवती यहाँ बच्चों के साथ वक्त बिताने आती थी,
लेकिन 12 अगस्त को संडे था, वो उस दिन यहाँ नहीं आई थी। तो फिर वो इस एरिया में और कहाँ जा सकती है? क्या आपको कोई आइडिया है आसपास कोई ऐसी जगह जहाँ वो आती जाती हो? नहीं, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ 10 अगस्त को यहाँ आई थी। बाय बच्चों, बाय, सी यू गाइस, बाय बाय बाय। और वो अपनी एक डायरी यहाँ भूल गई थी, मैंने सोचा नेक्स्ट फ्राइडे आएगी तो उसे दे दूंगी, लेकिन उसके पास से उसका फोन ही बंद आ रहा है। वो डायरी आप हमें दे दीजिए। जी। जिंदगी तो इतनी बड़ी सजा भी है। मैंने सोचा ना था, काश मैं। तो कुछ फलसफा सा लिखा हुआ, जो लिखा गया है वो अधूरा है और लिखने के बाद काटा गया। आखिर इन अल्फाजों का राज क्या है? क्या इस डायरी का रेवती के कत्ल और मर्डर से कोई ताल्लुक हो सकता है? जिस दिन गलत डोज की वजह से उस लेडी की मौत हुई थी, डेट क्या थी? 14 जुलाई। आज कुछ लिखने का मन नहीं कर रहा, पर सोच रही हूँ कि शायद लिखने से कुछ मन का बोझ हल्का हो जाए। मेरे मन से ये ख्याल जा ही नहीं रहा है कि मेरे हाथों एक मासूम औरत की जान चली गई, लेकिन इसकी दोषी मैं नहीं हूँ, ये साजिश है। आखिर मेरा कसूर क्या था? सिर्फ इतना कि मैं एक अलग कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, उन्होंने इस बात का बदला लिया मुझसे। अरे वाह, एक और प्रमोशन। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने मैनेजमेंट पे जो तुम पे इतना मेहरबान हो रहा है? हाँ, ये कोई जादू नहीं है, मेरी काबिलियत है, मेरा डेडिकेशन है। लेकिन आप लोगों से कहा, एक्सक्यूज मी, तुम तो डॉक्टर बनने के भी लायक नहीं हो, लेकिन तुम्हारी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को ना इतनी रियायत मिलती है कि कम नंबर लाकर भी तुम्हें डॉक्टर डिग्री मिल गई। पर डिग्री मिलते ही अपना उसने का जादू चलाना शुरू कर दिया, तभी तो डॉक्टर मनीष तुम पे इतना फेवर करता है ना। आप दोनों की सोच उतनी ही घटिया है जितनी डॉक्टर मनीष की। खैर, वक्त बता देगा कि ईमानदारी कभी नहीं हारती। वक्त जरूर बताएगा, लेकिन हमें नहीं, तुम्हें, देख लेना। चलो। इस डायरी में तो इस बात का जिक्र है कि इंजेक्शन की डोज डॉक्टर नकुल और डॉक्टर संयुक्ता ने बदली थी, और उसके दूर के मामा भी पुणे में रहते हैं। उठो। डॉक्टर संयुक्ता, तुमने और डॉक्टर नकुल ने मिलकर किस बात का बदला लिया डॉक्टर रेवती से? ऐसी भी क्या नफरत थी तुम दोनों को उससे? नफरत तो थी सर, लेकिन हमने उसको नहीं मारा सर। उसने कम नंबर लाकर कोटा से एडमिशन ले लिया और फिर वो हमसे आगे निकल रही थी। बस इसी नफरत में नकुल उसको फंसाना चाहता था। मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। तो वह दवाई नकुल ने बदली थी? क्या कर रहे हो नकुल? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि डॉक्टर रेवती का घमंड कैसे तोड़ा जाए। मतलब? लेकिन जब वो हादसा हुआ तो मुझे रियलाइज हो गया कि वो दवाई नकुल ने ही बदली थी। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ सर। डॉक्टर नकुल इस वक्त कहाँ? डॉक्टर नकुल इस केस में एक ऐसा सस्पेक्ट था जो पुलिस की पहुंच से दूर था, लेकिन डॉक्टर संयुक्ता, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर नित्यानंद और हमला करने वाला नवीन और डॉक्टर रेवती का बॉयफ्रेंड आनंद भी पुलिस की रडार में थे। देखते ही देखते 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन ये केस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाने वाले रेवती के माता पिता अब नाउम्मीद हो चुके थे। 2 महीने से ऊपर गुजर गया आदिल, इस केस में आखिर चल क्या रहा है? सर, हम डॉक्टर रेवती से जुड़े हर एंगल की तहकीकात कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ हमें कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं मिला। पहले हमें लग रहा था कि डॉक्टर नकुल का इस केस से स्ट्रांग कनेक्शन होगा, इसलिए उसे जयपुर एयरपोर्ट से अरेस्ट भी किया गया। हालांकि वो ये तो मानता है कि इंजेक्शन की दवा उसी ने बदली थी, पर सर डॉक्टर नकुल का डॉक्टर रेवती के रेप और मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं मिला। सब कुछ बहुत प्लानिंग के साथ किया गया। सर, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिमिनल ने हमारे लिए कोई क्लू नहीं छोड़ा। देखो, मैं लोकल पुलिस से शिवाजी नगर एरिया का क्राइम डाटा एनालाइज कर रहा था। इनकी रिपोर्ट काफ़ी सरप्राइजिंग है। आई थिंक यू शुड हैव अ लुक एट इट वंस। श्योर सर, चाहे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त से लेके 1 अक्टूबर के बीच में। सर, लेकिन इस डेटा का हमारे केस से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, डॉक्टर रेवती का मर्डर कब हुआ? 12 अगस्त। लूटपाट और चेन स्नैचिंग, इन सब वारदातों में 70% की कमी आई। शिवाजी नगर पुलिस से कॉन्टेक्ट करो, जिस भी ऑफिसर ने ये रिपोर्ट तैयार की है उससे बात करो। सर,
जैसी रिपोर्ट आती है मुझे अपडेट करो। सर, मेरी शिवाजी नगर पुलिस से बात हुई, उनका एक ऑब्जर्वेशन है। शिवाजी नगर में एक सिग्नल के पास कई भिखारी बैठते थे जो अगस्त महीने की शुरुआत से ही गायब है। लोकल पुलिस को लगता है कि इन क्राइम्स में उन लोगों का हाथ हो सकता है। और अगस्त में डॉक्टर रेवती का कत्ल और रेप हुआ तो मुमकिन है ये सारे इसलिए अंडरग्राउंड हुए होंगे कि कहीं पुलिस इन्हें डॉक्टर रेवती के केस में अंदर ना कर दे। ये भी मुमकिन है कि इन्हीं में से किसी ने डॉक्टर रेवती का कत्ल और मर्डर किया। तुमने डॉक्टर रेवती के सोशल मीडिया अकाउंट से उसकी कुछ पिक्चर कैप्चर की थी। जी सर। उन सारे बच्चों को आइडेंटिफाई करो और सबसे बात करो। सर, रेवती के साथ एनजीओ के जिन बच्चों की फोटोज हैं उन सभी से पूछताछ की लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक फोटो ऐसी है जिसमें रेवती के साथ जो लड़की है जो एनजीओ की नहीं है। अगर ये बच्ची एनजीओ की नहीं है तो कौन है? देखने में किसी गरीब घर की लगती है। शिवाजी नगर सिग्नल के आसपास लोगों से पूछो और पता लगाओ ये बच्ची कौन है। सर, इस छोटी बच्ची के बारे में कुछ जानते हो? साहब, इस बच्ची को तो मैंने कई बार देखा है। वो पास के सिग्नल पे वहाँ पे जो गाड़ियाँ रुकती थी ना उनको अपने छोटे मोटे सामान बेचा करती थी। ये बता सकते हो कि बच्ची अभी कहाँ मिलेगी? साहब, इतना तो नहीं पता लेकिन हाँ, इस बच्ची का एक बड़ा भाई भी है जो कि जड़ी बूटियाँ बेचा करता था एक वैन में, और इसका और इसके बड़े भाई का काफ़ी दिनों से कोई अता पता नहीं। इस बच्ची और इसके भाई के बारे में कुछ और जानते हो? साहब, इतना तो नहीं पता लेकिन हाँ, इतना बता सकता हूँ कि ये झारखंड के रहने वाले हैं, फूलपुर गाँव के। जानते हैं इसको? मैम, ये तो हमारे गांव की रानी जैसी दिखती है, हमारे गांव में रहती थी। घर कहाँ है इसका? मैम, 7 साल पहले जब इसकी माँ की हत्या हुई थी उसके बाद से ये, इसका भाई और उसका बाप विनायक सब गायब हैं। पिछले महीने तो चंपक के घर गई थी, तब उसका बच्चा मरा और अब जोगिंदर की बीवी भी जो पेट से थी। ओझा जी ने जिसका अंदेशा दिया था वो तू ही है। क्या? रानी की माँ और लाश मिली थी उसकी, किसने मारा था उसे? देखिए साहब, इस बच्ची के बारे में तो हमें नहीं पता। वैसे 7 साल हो गए तो रानी को देखे, अब इस वक्त उसके पिताजी, उसके भाई कहाँ रहते हैं हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमें पता है कि 7 साल पहले आपने रानी और उसके परिवार के साथ क्या किया था। आप ये बताइए, रानी का भाई और उसका बाप विनायक कहाँ है? देखिए, ये सब तो हमें नहीं पता लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले तक हमें बार बार फोन आता था। हेलो हेलो, हाँ मुखिया जी, हम विनायक के बेटे प्रिंस बोल रहे हैं, हमको अपने पापा से बात करना है, आप उनको बुलवा सकते हैं? अरे क्यों परेशान करते हो, कितनी बार कहा है तुम्हारे पिता जिस गांव में नहीं रहते? साहब, वो लगातार हमें फोन करता रहा, हम इतना परेशान हो गए थे कि गुस्सा आके फोन ही तोड़ दिए। जिस नंबर से आपको बार बार फोन आ रहा था वो नंबर दीजिए। क्या है ना, पुराना फोन था तो सामने वाले का नंबर नहीं आता है। वो फोन कब आया था, किस दिन आया था, कितने बजे आया था, ये तो याद होगा ना आपको? सर, सरपंच को जिन जिन डेट्स पर रानी के भाई का फोन आया था उनमें से मैंने 3 नंबर्स आइडेंटिफाई किए जो शायद रानी के भाई के हों। थाने बुला लूं तीनों को? नो, डोंट कॉल। अगर इन तीनों में से कोई भी इस जुर्म से कनेक्टेड हुआ तो अलर्ट हो जाएगा, फरार होने के पूरे चांसेस हैं। चूहे का अगर उसके बिल से बाहर निकालना है तो उसे रोटी का टुकड़ा डालना होगा, डॉलर टुकड़ा। हेलो सर, मैं इजी लॉटरी से बोल रही हूँ, आपका नंबर एक लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है, कंग्रेचुलेशंस। आपको 50,000 तक के गिफ्ट दिए जाएंगे, वो गिफ्ट हम खुद आप तक पहुंचाएंगे, आप अपना एड्रेस दीजिए प्लीज। हाँ ठीक ठीक, आप पता लिखिए। 25। डॉक्टर रेवती को जानती थी? दीदी दीदी दीदी, ये पेन ले लो ना। नहीं नहीं, खड़ी हो खड़ी हो। कितने के ये पेन? 50 रुपए के। ये ले, 100 रख, और ये पेन भी तू रख, ठीक है? तूने कुछ खाया? वो बहुत अच्छी थी, हमेशा दूसरों की मदद करती थी। अच्छा, ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरी माँ नहीं, वो मर गई। मेरी बहन से बहुत प्यार करती थी, हमेशा इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करती थी।
डॉक्टर रेवती तुम दोनों से पूरी हमदर्दी रखती थी, इनफैक्ट तुमसे तो बहुत प्यार करती थी, तो डॉक्टर रेवती के इस प्यार से, इस हमदर्दी से किसी को क्या प्रॉब्लम थी? हमदर्दी दिखाती थी, यही प्रॉब्लम थी, यही हमको अच्छा नहीं लगता था। मतलब? दीदी दीदी, मेरी सहेली बहुत बीमार है, हमें आपकी मदद चाहिए, उसको अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मैं गाड़ी लेके आई हूँ आपको लेने के लिए, आप जल्दी चलिए ना, वो बहुत बीमार है उसको। ठीक है, चलो चलो। अरे ये तो हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है, कहाँ जा रहे हैं हम? शॉर्टकट से जा रहे हैं। वैन रोको। ए, लो भैया। महज 10,000 रुपयों के लिए डॉक्टर रेवती का कत्ल कर दिया? क्यों? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी बहन से प्यार करती थी, तुम दोनों से हमदर्दी रखती थी। उससे पहले जो तुमने इतनी चोरियां की, वो किसकी हमदर्दी का बदला था? माँ की मौत के बाद ही आत्मा मर गई थी साहब, सिर्फ पैसा नजर आता था। अगर पैसा होता ना तो हमारी माँ नहीं मरती। अपनी बहन को अच्छी जिंदगी देने के लिए हम ऐसे हो गए। रेप क्यों किया? अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो उसे शर्म आती कि तुम्हारे जैसा बेटा पैदा किया। और जिस बहन की जिंदगी बनाने के लिए तुमने रेप और कत्ल किया, तुम्हें पता है तुमने अपने साथ साथ इस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। रेवती एक ब्राइट डॉक्टर थी, लेकिन सिर्फ कुछ पैसों के लालच में उसकी हत्या कर दी गई, जिससे उसके माता पिता समेत सब लोग सकते में हैं। रानी और प्रिंस के बयान के मुताबिक उनकी माँ सरस्वती को जोगिंदर, सरपंच अजीत और बाकी गांव वालों ने इस खबर के बाहर आने के बाद वहां के डीएम ने जांच के आदेश दिए और 7 साल पुराने इस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उम्मीद है कि सरस्वती के दोषियों को सजा मिलेगी, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि रानी और प्रिंस जैसे नाबालिग बच्चे इतने कठोर क्यों बन गए कि उन्हें इस हत्या का जरा भी मलाल नहीं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।